हेलो दोस्तों, के एल डी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के जो भी दोस्त एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उनका जो एग्ज़ाम कह सकते हैं कि ऑफलाइन होता था, अब उसको ऑफलाइन न करा के इस बार से ऑनलाइन कराया जाएगा। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी कह सकते हैं कि स्टूडेंटों का एक बार में ही ऑनलाइन नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। एक ये तरह से प्रयोग के रूप में किया जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो इसके बाद जो सेशन होगा, जैसे आपकी जो सेशन होगा 2020 और 21 में, इसमें सभी का ऑनलाइन नहीं होगा, कुछ ही लोगों का होगा जो सेकेंड पाली में एग्जाम देते हैं उन्हीं का ऑनलाइन होगा। और बाकी अगर ये सफल रहता है तो 2021 में, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सेशन 2021 और 2022 का होगा, अगर यहाँ पर ये सफल होता है तो यहाँ पर सभी स्टूडेंटों का एक साथ ऑनलाइन कराया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन से सेशन या कह सकते हैं कि कौन से ग्रुप का सबसे पहली बार ऑनलाइन कराया जाएगा। इसमें आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए ग्रुप वालों का किसी का भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन नहीं होगा। जो बाकी जो ग्रुप होते हैं, चाहे वो बी से लेकर के तक के जो ग्रुप होते हैं पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम के दे रहे हैं, उनका ही सिर्फ कह सकते हैं कि इस बार ऑनलाइन होगा। वो भी कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन में होगा। पहले जो एग्जाम होता था वो सिर्फ 1 दिन में खत्म हो जाता था ए से लेकर के तक का, लेकिन अब की बार कह सकते हैं कि जो आपकी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका 2 से 3 दिन चलेगा। ये क्यों कारण है कह सकते हो कि जो आपका एग्जाम है वो पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन के जगह पे अब आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ए ग्रुप वालों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका ऑफलाइन होता था एग्जाम, उनका ऑफलाइन ही होगा। बाकी जो ग्रुप है, चाहे बी से लेकर के बी सी डी ई इस तरह से जो के तक के ग्रुप होते हैं, उनका जो एग्ज़ाम होगा इस बार ऑनलाइन होगा। तो आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस बार सिर्फ मैं बता देना चाहता हूँ 5.5 लाख स्टूडेंट का ही जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा सभी जो भी छात्र बचेंगे उनका सभी का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ये अभी कह सकते हैं कि प्रयोग के रूप में कहा गया है। आगे बात करते हैं कि कुछ और चीज़ों के बारे में, वही हमने बताया कि जैसे यहाँ पे दिया कि 2 से 3 दिन तक के आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा चलेगी। पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 1 दिन में ही खत्म हो जाता था, क्योंकि इतने स्टूडेंट नहीं हो पाते थे। तो इसमें होगा क्या कि कह सकते हैं कि जो पहले ऑफलाइन होता था उसमें सभी का पेपर एक ही तरह से होता था और क्वेश्चन बस आगे पीछे होता था, लेकिन जब ऑनलाइन होगा तो आपका क्वेश्चन अलग होगा और दूसरे का क्वेश्चन अलग। कह सकते हैं कि कई सेट बनाने पड़ेंगे, जिससे जो बोर्ड है उसको भी समस्याएं आएंगी, लेकिन बोर्ड भी कह सकते हैं कि इसे सुधार कर रहा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर ऑफलाइन के जगह पे ऑनलाइन एग्जाम होगा तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो रिजल्ट आने में जो समय लगता है आपका 1 से 2 महीने तक लग जाता है, उसमें कमी आएगी और आपका रिजल्ट कम से कम सिर्फ 15 दिन में आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होगी। और जो नंबर की जो प्रॉब्लम आती है कि किसी का नंबर अधिक हो जाता है, क्योंकि जो होता है ना कि एक तरह सेट करने वाला जो होता है कि पेंसिल से सेट करने का, उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो उससे कह सकते हैं कि समस्याएं नहीं रहेंगी और समस्या का निवारण हो जाएगा। और जो कहा यह जाता है कि क्वेश्चन कुछ बड़े बड़े रहते हैं, तो ऑफलाइन में क्वेश्चन बड़े दिए जाते हैं इसलिए जान के, क्योंकि उसमें हल करना आसान रहता है, लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो छोटा छोटा ही रखा जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमा के रहेगा, ये हो सकता है। तो इससे कह सकते हैं एक तरह से कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। तो आप लोग अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का इस साल के लिए, तो आप लोग और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपका अब की बार कह सकते हैं कि एग्जाम जो ऑफलाइन हो रहा था पिछले साल की तरह से हर साल, वो अब की ऑनलाइन होगा। लेकिन आपको कोई भी कह सकते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है कि यार पहले मैं कह सकते हैं कि कभी मैंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है किसी भी चीज़ का, चाहे SSC या रेलवे का, फिर मैं कैसे एग्जाम दूंगा, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप लोग बस के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करिए, और जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसको ज़रूर आपको प्रोवाइड करूंगा। इसी प्रकार से अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज ही के एलडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो दोस्त आपके कह सकते हैं चाहे वो हाई स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं या इंटर लेवल पे, या कह सकते हैं कि जैसे होता है कि बी से लेकर के वाला जो लेटरल एंट्री होता है अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें छात्र कम होते हैं स्टूडेंट कम होते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार से बने रहे, मैं उनके लिए जल्दी कह सकते हैं कि क्लास भी चालू करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप इस प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के एल डी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।